एंड वेलकम टू दी थर्ड पार्ट ऑफ चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड. ये जो पार्ट है दैट इज़ दी थर्ड पार्ट, ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा. इट मीन्स कि इस पार्ट में ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा. तो थर्ड पार्ट स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सुन लो कि जो भी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ या फिर इंपॉर्टेंट वीडियो से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन पोस्ट करनी होती है तो मैं कम्युनिटी टैब पे करती हूँ. तो प्लीज़ मेक श्योर टू चेक कम्युनिटी टैब रेगुलरली ताकि आप लोगों को नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे वीडियो से रिलेटेड. जो भी आप लोग को वीडियोज़ चाहिए होते हैं उससे रिलेटेड मैं पोल्स भी वहाँ पर पोस्ट करती हूँ. तो प्लीज़ मेक श्योर आप लोग कम्युनिटी टैब चेक कर लिया कीजिए टू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द अपकमिंग वीडियोज़. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर. नाउ अब पार्ट 3 के अंदर लास्ट के 3 टॉपिक्स बचे हैं, दैट इज पार्ट 7 ऑफ योर एनसीईआरटी पार्ट 8 एंड पार्ट 9. तो जो पार्ट 7 है आप लोग के एनसीईआरटी का, उसका टॉपिक है रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट्स. अच्छा, तो ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है 7th वाला, ये बहुत ईजी है, एक पेज का ही है. तो नाउ द नेम ऑफ दिस टॉपिक इज रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट्स. रिलीजियस रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स मतलब किसी भी चीज़ को सुधारना, ठीक है. तो उस टाइम पे क्या होता था कि रिलीजियस एक्टिविटीज़ जो थी वो कई कई लोगों को पसंद नहीं आती थी. तो जो लोग उन रिलीजियस एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट होते थे उन लोगों को बोला जाता था रिफॉर्मर्स, ठीक है. रिफॉर्मर्स वो लोग होते थे जिनको उस टाइम पे रिलीजियस एक्टिविटीज़ पसंद नहीं थी एंड वो चाहते थे कि रिलीजियस एक्टिविटीज़ को चेंज करवाया जाए, ठीक है. तो रिफॉर्म मतलब किसी भी चीज़ को सुधारना, राइट. रिफॉर्म को सपोर्ट नहीं करते थे, ओके. तो जो पूरी की पूरी सोसाइटी थी वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी थी, ठीक है. दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी थी और अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन था. इस चीज़ को बोलते हैं क्लैशेस ऑफ ओपिनियन, मतलब कि अलग अलग टाइप के लोग जो हैं वो अलग अलग चीज़ों को सपोर्ट करते थे. फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसे लोग थे जिनको लगता था कि ये जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हो रही हैं ये बिल्कुल गलत हो रही हैं और ये स्टॉप की जानी चाहिए, ठीक है. और एक साइड पे ऐसे लोग थे जिनको लगता था कि ये जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हो रही हैं ये बिल्कुल सही हो रही हैं, ठीक है. तो इस तरीके से जो सोसाइटी है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी एंड सोसाइटी के अंदर क्लैश ऑफ ओपिनियंस हो रहे थे जिसकी वजह से पब्लिक डिबेट्स हो रहे थे, ठीक है. अलग अलग लोग जो हैं वो अपना पॉइंट प्रूव करवाने के लिए लड़ रहे थे. नाउ अब आप लोग को ये बात पता होनी चाहिए कि ऐसे लोग जो कि इन रिलीजियस रिफॉर्म्स को सपोर्ट नहीं करते थे, रिलीजियस एक्टिविटीज़ को सपोर्ट नहीं करते थे, उन लोगों का नाम होता है रिफॉर्मर्स. आप लोग की बुक में कुछ रिफॉर्मर्स के एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं जो कि आगे चल के पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, सॉरी इस पार्ट के अंदर. तो ये मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन दे दिया, नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट, ओके. तो आप लोग की बुक में लिखा हुआ है कि अर्ली 19th सेंचुरी से ही, अर्ली 19th सेंचुरी मतलब कि 1800 से ही ये चीज़ स्टार्ट हो गई थी कि रिलीजियस इशूज़ पे बहुत ज़्यादा डिबेट्स होते थे, ठीक है. इंटेंस डिबेट होते थे रिलीजियस इशूज़ पे, ओके. यहाँ पर आप लोग की बुक में एक वर्ड लिखा हुआ है कन्फ्रंटेड. कन्फ्रंटेड मतलब कि किसी भी सिचुएशन से डील करने का वे, ठीक है. जो भी उस टाइम पे रिलीजियस चेंजेस होते थे या फिर रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती थी उन प्रैक्टिसेस को अलग 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 ग्रुप ऑफ पीपल ने अलग अलग तरीके से डील किया, ओके. तो जैसे कि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में भी बताया था कि रिफॉर्मर्स वो लोग होते हैं जो कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट होते हैं, ठीक है. जो कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस को सपोर्ट नहीं करते हैं उन लोगों को बोलते हैं रिफॉर्मर्स, ओके. तो उस टाइम पे जो कॉलोनियल सोसाइटी थी वो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो गई थी. कुछ लोग जो थे वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करते थे और रिफॉर्मर्स को सपोर्ट नहीं करते थे, ठीक है. उन लोग को लगता था कि जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हो रही हैं वो सही हो रही हैं. और कुछ लोग जो थे वो रिफॉर्मर्स को सपोर्ट करते थे और उनको लगता था कि जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हो रही हैं वो बिल्कुल गलत हो रही हैं, ओके. तो इस तरीके से जो सोसाइटी है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी. यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है सम क्रिटिसाइज्ड, यानी कि कुछ लोगों ने उधर रिलीजियस प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज किया, मतलब कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस को सही नहीं समझा और रिफॉर्मर्स को सपोर्ट किया और कुछ लोगों ने रिफॉर्मर्स के आर्ग्यूमेंट्स को काउंटर किया, ठीक है. मतलब कि कुछ लोग रिफॉर्मर्स के अगेंस्ट थे. काउंटर्ड मतलब कि किसी के अगेंस्ट होना. तो ये जो लाइन है ये बहुत बच्चों को नहीं समझ आती है, जबकि इस पार्ट की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये, दैट इज़ जो सोसाइटी थी उसके अंदर से कुछ लोग जो थे वो रिफॉर्मर्स को सपोर्ट कर रहे थे और कुछ लोग जो थे वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस को सपोर्ट कर रहे थे, ओके.
मैं वापस समझा देती हूँ इस लाइन का मतलब. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ दिस पार्ट. सम क्रिटिसाइज द एक्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस एंड कैंपेन फॉर रिफॉर्म. मतलब कि कुछ लोग जो थे उनको जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस चलती आ रही थी वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी और उनको लग रहा था कि ये रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो हैं वो ख़त्म होनी चाहिए. ओके और उसके बाद लिखा हुआ है वाइल अदर्स काउंटर्ड द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ रिफॉर्मर्स. और उसके अलावा जो कुछ कुछ लोग थे उनका ये मानना था कि जो रिफॉर्मर्स हैं यानी कि जो लोग इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस को सपोर्ट नहीं करते वो गलत हैं, तो वो लोग जो थे वो रिफॉर्मर्स के अगेंस्ट थे, रिफॉर्मर्स को अपोज करते थे और रिलीजियस प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करते थे. अब जो काउंटर्ड वर्ड है उसका मतलब होता है अपोज करना. ओके तो जो सोसाइटी थी वो क्लियरली डिवाइड हो गई थी दो सेक्शंस के अंदर. तो सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा डिबेट होते थे. वो डिबेट जो है वो पब्लिकली भी कैरी आउट हुआ करते थे और इन द फॉर्म ऑफ प्रिंट भी कैरी आउट हुआ करते थे. ओके अब यहाँ पर आप लोग की बुक में एक वर्ड लिखा हुआ है दैट इज़ ट्रैक्स. ट्रैक्स मतलब होता है अ स्मॉल शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग. ठीक है तो ये जो डिबेट्स थे ये पब्लिकली भी लोग एक दूसरे से करते थे, मतलब फेस टू फेस भी करते थे, और ये जो डिबेट्स हैं ये इन द फॉर्म ऑफ प्रिंट भी होते थे. फॉर एग्जांपल कि किसी ने न्यूज़पेपर में प्रिंट करवाया कि ये जो विडो कल्चर है, ये जो विडो को मारा जाता है, ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल गलत है. ठीक है उसके बाद किसी ने न्यूज़पेपर में प्रिंट करवाया कि नहीं ये चीज़ बिल्कुल सही है. तो इस तरीके से प्रिंट के फॉर्म में भी बहुत लोगों के बीच में डिबेट्स होते थे और प्रिंट की हेल्प से लोगों के ओपिनियन को शेप करवाया जाता था. ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है, दैट इज अगर किसी को ये बात लोगों तक पहुंचानी है कि सारे भगवान सेम ही हैं, हिंदू मुस्लिम इन सब चीज़ों में डिफरेंस मत करो, ठीक है, तो वो न्यूज़पेपर में लिख के ये जो अपनी बात है ये सब लोगों के बीच में पहुंचा देगा. वाइल एज अगर किसी को ये बात लोगों तक पहुंचानी है कि नहीं मुस्लिम कम्युनिटी अलग ही रहेगी, मुस्लिम कम्युनिटी हिंदू के साथ मर्ज नहीं होगी, किसी मुस्लिम लीडर को ये बात पहुंचानी है तो वो न्यूज़पेपर में प्रिंट करवा के लोगों तक ये बात पहुंचाएगा. ठीक है तो इस तरीके से जो पब्लिक ओपिनियन है उसको शेप करवाया जाता था थ्रू द हेल्प ऑफ प्रिंट. ओके तो प्रिंट के अंदर आप लोग की बुक में दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं दैट इज़ न्यूज़पेपर एंड ट्रैक्ट्स. ओके तो क्योंकि प्रिंट आ गई थी प्रिंट की वजह से अब वाइडर पब्लिक कुड पार्टिसिपेट इन दीज पब्लिक डिस्कशंस एंड एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज. प्रिंट ये जो लाइन है इसको मार्क कर लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. प्रिंट की हेल्प से क्योंकि जो प्रिंट है वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकती थी. ठीक है तो प्रिंट जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम बना ताकि जो लोग हैं वो अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाएँ. ओके नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ. तो उस टाइम पे कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी बिटवीन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स और हिंदू ऑर्थोडॉक्सी. अब ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये दोनों वर्ड्स रट लेना, दैट इज़ सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स एंड हिंदू ऑर्थोडॉक्सी. हिंदू ऑर्थोडॉक्सी मतलब कि वो लोग जो कि हिंदूज के कॉमन ट्रेडिशंस और बिलीव्स पे भरोसा रखते हैं और जितने भी हिंदू के रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं उनको फॉलो करते हैं. वाइल एज सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स वो लोग होते हैं जो कि अगर रिलीजन के नाम पे कुछ भी बुरा करा जा रहा हो तो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं. ओके तो यहाँ पर आप लोग की बुक में कुछ मैटर्स बता रखे हैं जिन मैटर्स पे इन दोनों लोगों के बीच में लड़ाई होती थी, दैट इज़ हिंदू ऑर्थोडॉक्स लोगों में और रिफॉर्मर्स लोगों में लड़ाई जिन मैटर्स पे होती थी वो मैटर्स आप लोग की बुक में बता रखे हैं. फर्स्ट इज़ विडो इमोलेशन. मतलब कि जब किसी लेडी का हस्बैंड की डेथ हो जाती थी उस टाइम पे तो उस लेडी को भी मार दिया जाता था ज़बरदस्ती. ठीक है उस लेडी को बोला जाता था कि उस लेडी को बोला जाता था कि तुम खुद आग में जाकर खुद को जला दो. तो इस चीज़ को बोलते हैं विडो इमोलेशन. नेक्स्ट जो प्रैक्टिस थी उस टाइम पे दैट वाज आइडोलेट्री. आइडोलेट्री मतलब कि किसी भी मूर्ति की वर्शिप करना. ठीक है इस चीज़ को बोलते हैं आइडोलेट्री. नेक्स्ट इज मोनोथीज्म. मोनोथीज्म का मतलब होता है एक बिलीफ जिसके अंदर माना जाता है कि भगवान सिर्फ एक है. ठीक है इस बिलीफ को बोलते हैं मोनोथीज्म. ओके अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है दैट इज़ ब्राह्मणिकल प्रीस्टहुड. अच्छा तो उस टाइम पे जो हिंदूज थे उसके अंदर चार वर्णाज होते थे. ठीक है जिसके अंदर से जो ब्राह्मण्स थे ना उनको सबसे सुपीरियर माना जाता था. ठीक है और ब्राह्मण्स को प्रीस्ट बनाया जाता था. जो ब्राह्मण्स थे उन्हीं को ही टीचर बनाया जाता था. ठीक है बेसिकली ब्राह्मण लोगों को जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी और जितने भी रीति रिवाज जो भी होते थे ना वो ब्राह्मण्स के हिसाब से होते थे. ठीक है तो ये चीज़ जो है ये हिंदूज में फॉलो की जाती थी. बट जो रिलीजियस रिफॉर्मर्स हैं वो ये चाहते थे कि ये चीज़ बंद हो जाए, दैट इज़ सिर्फ ब्राह्मण्स को इतना इंपॉर्टेंस देना बंद करवाया जाए. ओके
अब कुछ एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं आप लोग की बुक में. सबसे पहले बंगाल का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि बंगाल के अंदर डिबेट डेवलप हो गया था, न्यूज़पेपर और ट्रैक्स जो थे वो प्रिंट करवाए जाते थे. यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है ट्रैक्स एंड न्यूज़पेपर प्रोलिफरेटेड. प्रोलिफरेटेड मतलब कि बहुत लार्ज क्वांटिटी के अंदर न्यूज़पेपर और ट्रैक्स जो है वो प्रिंट हुए और सर्कुलेट हुए ताकि अलग अलग साइड के आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो लोगों तक पहुँचाए जा सके. और ज़्यादा लोगों तक अपना आर्ग्यूमेंट पहुंचाने के लिए क्या किया जाता था कि जो न्यूज़पेपर्स और ट्रैक्स में कुछ भी लिखा जाता था ना वो बिल्कुल नॉर्मल कॉमन डे लैंग्वेज में लिखा जाता था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ को समझ पाएँ. ओके, अब आप लोग की बुक में एक नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है, दैट इज़ ऑफ राजा राम मोहन रॉय. उन्होंने पब्लिश किया था संबट कौमुदी. ओके, अब जो संबट कौमुदी था वो क्या था, वो बंगाल के अंदर एक वीकली न्यूज़पेपर था. ये आप लोग की बुक में मेंशन नहीं किया हुआ है, मैं आप लोग को बता रही हूँ कि बंगाल के अंदर एक वीकली न्यूज़पेपर पब्लिश किया था राजा राम मोहन रॉय ने जिसका नाम था संबट कौमुदी. उस न्यूज़पेपर में राजा राम मोहन रॉय अपने व्यूज़ लिखते थे और वो लिखते थे कि कैसे जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं वो सब गलत हो रही हैं. वो विडो प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा लिखते थे, दैट इज़ मैंने आप लोग को बताया विडो इमोलेशन की जो प्रैक्टिस होती है उसके अगेंस्ट बहुत कुछ लिखते थे. ठीक है, अब जैसे ही 1821 के अंदर राजा राम मोहन रॉय ने पब्लिश करा अपना वीकली न्यूज़पेपर, उसके बाद जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी के लोग थे, ठीक है, जो कि ये विडो प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करते थे, ठीक है, उन्होंने भी एक अपना वीकली न्यूज़पेपर बना लिया जिसका नाम था समाचार चंद्रिका, जिसके अंदर वो अपने ओपिनियंस लिखते थे. ओके, उसके बाद आप लोग की बुक में 1822 के बारे में बताया गया है. 1822 के अंदर दो और पर्शियन न्यूज़पेपर्स आए जिनका नाम था जामी जहां नमा और शमसुल अकबर. ठीक है, उसके बाद आप लोग की बुक में एक और न्यूज़पेपर का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि गुजरात के अंदर उसी साल एक और न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ जिसका नाम था बॉम्बे समाचार. तो ये जो सेक्शन है इसके अंदर कुछ नाम हैं जो कि आप लोग को याद रखने हैं. जो दो नाम आप लोग को मेजर याद रखने हैं, दैट इज जो न्यूज़पेपर राजा राम मोहन रॉय ने पब्लिश किया था, दैट वाज संबट कौमुदी इन 1821. ये जो है 2-3 साल पहले 1 मार्क क्वेश्चन में भी पूछा गया था. उसके बाद मैंने आप लोग को बताया कि उसके बाद हिंदू ऑर्थोडॉक्सी ने भी एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया था जिसका नाम था समाचार चंद्रिका. राजा राम मोहन रॉय ने क्योंकि पहले न्यूज़पेपर पब्लिश कर दिया था तो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी के लोग खुद की रिलीजियस प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने ये वाला न्यूज़पेपर पब्लिश किया था, दैट वाज समाचार चंद्रिका. ओके, उसके अलावा ये भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पहले आ चुका है 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर कि 1822 के अंदर दो पर्शियन पेपर्स जो हैं उनका नाम क्या है, तो आप लोग लिखेंगे कि दैट वाज जामी जहां नमा एंड शमसुल अकबर. उसके अलावा गुजरात के पेपर का नाम था बॉम्बे समाचार. ओके, नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ इज ऑल अबाउट मुस्लिम्स. ओके, नॉर्थ इंडिया के अंदर उलामा जो थे, उलामा बेसिकली जो इस्लामिक लीगल स्कॉलर्स होते हैं उनको उलामा बोलते हैं. अच्छा, अब ये जो वर्ड है इस्लामिक लीगल स्कॉलर्स, इसका क्या मतलब हुआ? स्कॉलर मतलब कि वो इंसान जिसने किसी भी टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कर रखी हो. ठीक है, तो मुस्लिम के लीगल स्कॉलर्स को उस टाइम पर बोला जाता था उलामा, मतलब कि ऐसे लोग जिनको मुस्लिम लोगों की केयर थी और ऐसे लोग यू कैन से कि जिनको ये डर था कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो धीरे धीरे करके दब ना जाए हिंदुओं के बीच में. ठीक है, उलामा जो लोग थे वो मुस्लिम के स्कॉलर्स थे. ठीक है, आप लोग अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो आप लोग समझ सकते हैं कि वो मुस्लिम कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना चाहते थे. ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया के अंदर ये जो उलामा लोग थे ये लोग बहुत डर गए थे और इनको लग रहा था कि ये जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है, कॉलोनियल गवर्नमेंट, जैसे कि आप लोग को पता है कॉलोनियल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, कि ऐसी गवर्नमेंट जो कि किसी भी एरिया को रूल करे उसको बोलते हैं कॉलोनियल गवर्नमेंट. ओके, तो उस टाइम पे इंडिया को जो है वो ब्रिटिश लोग रूल कर रहे थे, तो जो मुस्लिम हैं उनको बहुत डर लगने लगा कि हमारी जो कम्युनिटी है वो धीरे धीरे दब जाएगी क्योंकि ये जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है ये मुस्लिम के सारे लॉस को डिस्ट्रॉय कर देगी. ओके, तो मुस्लिम लोगों ने क्या किया, उन्होंने चीप लिथोग्राफिक प्रेस का यूज़ करके कुछ पर्शियन और उर्दू लैंग्वेज के अंदर होली स्क्रिप्चर्स को प्रिंट करवाया. ओके, स्क्रिप्चर्स मतलब कि किसी की भी रिलीजियस राइटिंग्स, लाइक अपन अगर बोलें कि फॉर हिंदूज इट्स गीता, राइट, तो वैसे ही उन्होंने अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर अपने जो इस्लामिक, दैट इज़ मुस्लिम के जो होली स्क्रिप्चर्स थे उनको प्रिंट करवाया. अच्छा, अब ये सब चीज़ें करवाई क्यों? ताकि लोगों के अंदर रिलीजियस सेंटिमेंट्स जागे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिलीजन के बारे में पता चले और सबके सब लोग जो मुस्लिम रिलीजन है उसको प्रोटेक्ट कर सकें. ओके, उसके अलावा ये जो मुस्लिम्स हैं इन्होंने अपनी लैंग्वेज में लाइक उर्दू एंड इन्हीं लैंग्वेजेस के अंदर बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, ट्रैक्स, ये सब प्रिंट करवाए. ओके,
मुस्लिम्स के लिए 1867 में दियोबंद सेमिनारी जो है वो फॉर्म हुई थी, जिसके अंदर बहुत सारे फतवास प्रिंट करवाए गए थे मुस्लिम लोगों के लिए. ओके, बेसिकली फतवास क्या होते हैं? मुस्लिम का कोई लॉ होता है जो कि मुस्लिम के किसी बड़े इंसान ने, किसी इस्लामिक लीडर ने या फिर किसी इस्लामिक स्कॉलर ने लिखा होता है, जिसके अंदर मुस्लिम लोगों को बताया जाता है कि उनको अपनी डेली लाइफ में कैसे रहना चाहिए, कैसे खुद को कंडक्ट करना चाहिए. और उन फतवास के अंदर लोगों को ये भी समझाया जा रहा था कि कैसे इस्लामिक बिलीव्स जो हैं उनको फॉलो करना चाहिए. ओके, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं आप लोग को वापस बताती हूँ कि 1867 के अंदर एक दियोबंद सेमिनारी फॉर्म हुई थी जिसने बहुत सारे फतवास प्रिंट करवाए थे. नाउ व्हाट इज़ फतवास? मुस्लिम से रिलेटेड इस्लामिक लॉ को बोलते हैं फतवास. ठीक है, जिन फतवास ने लोगों को ये समझाया कि कैसे खुद को कंडक्ट करना चाहिए और कैसे रहना चाहिए एवरीडे लाइफ के अंदर. बेसिकली ये जो फतवास थे ये स्पेसिफिकली मुस्लिम लोगों के लिए ही थे. ओके, इन फतवास की हेल्प से जो मुस्लिम लोग थे उनको इस्लामिक डॉक्ट्रीन समझाई जाती थी. नाउ व्हाट इज़ इस्लामिक डॉक्ट्रीन? मतलब इस्लामिक सेट ऑफ बिलीफ. ठीक है, ये सब समझाए जाते थे. अच्छा, अब आप लोग के सबके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये सब किया क्यों जाता था. अब ये सब इसलिए किया जाता था ताकि जो इस्लामिक रिलीजन है, मुस्लिम कम्युनिटी है, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके. मुस्लिम जो लोग हैं वो सबके सब मुस्लिम मुस्लिम रूल्स पर बिलीव करें और मुस्लिम कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग बने, ताकि कोई भी अगर मुस्लिम कम्युनिटी को दबाने के लिए आए तो उससे वो चीज़ ना हो सके. तो ये सारे के सारे मेजर्स इसलिए लिए जा रहे थे ताकि मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग बने. ओके, पूरी की पूरी 19th सेंचुरी के अंदर मुस्लिम लोगों से रिलेटेड बहुत सारे सेमिनार्स हुए. ठीक है, अलग अलग सेमिनार्स के अंदर मुस्लिम लोगों का जो फेथ है उसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया गया. ठीक है, और शुड आई से अलग अलग सेमिनार्स के अंदर जो मुस्लिम लोगों का फेथ है उस चीज़ को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करके बताया गया. यानी कि हर सेमिनार जो है वो मुस्लिम बिलीव्स को और मुस्लिम फेथ को अलग तरीके से बता रहा था. ठीक है, और यही आप लोग की बुक में भी बताया गया है. उसके बाद आप लोग की बुक में एक और लाइन दी हुई है रिलेटेड टू दीज मुस्लिम सेमिनार्स. तो जो 19th सेंचुरी के अंदर मुस्लिम से रिलेटेड सेमिनार्स हुए थे उसके अंदर अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग सेमिनार्स कराते थे. ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर मैं सेमिनार करा रही हूँ तो मैं चाहूँगी कि आप सब लोग जो कि मेरे सेमिनार में बैठे हैं वो मेरी बात सुने. ठीक है, और किसी और की बात ना सुने. तो वही उस टाइम पर होता था कि जो भी सेमिनार कंडक्ट करवा रहा है वो यही चाहता था कि सारे के सारे लोग जो हैं वो उसको ही फॉलो करें और जो भी किसी और ने कोई भी चीज बताई है उस चीज को फॉलो ना करें. ओके, तो यहां पर एक लाइन लिखी हुई है काउंटरिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ ओपोनेंट्स. मतलब कि मैं यही चाहूंगी कि जो भी मेरे ओपोनेंट्स हैं, यानी कि जो भी मेरे दुश्मन हैं, जो भी मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं, उनकी बात आप लोग ना माने. ठीक है, तो इस तरीके से मैं उनकी बात को रॉन्ग प्रूफ करने की कोशिश करना चाहूंगी अगर मैं सेमिनार कंडक्ट करवा रही हूं. तो काउंटरिंग मतलब कि अपोज करना. ओके, और शुड आई से ख़त्म कर देना. ठीक है, तो मैं यही चाहूँगी कि अगर मैं सेमिनार कंडक्ट करवा रही हूँ तो मेरे जितने भी ओपोनेंट्स हैं मैं उनका इन्फ्लुएंस आप लोगों से ख़त्म कर दूँ. तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है और आप लोग की लास्ट लाइन ये लिखी हुई है उर्दू प्रिंट जो है वो उसने बहुत हेल्प करी पब्लिक में ये बैटल्स करवाने के लिए. ओके, मतलब कि उर्दू प्रिंट ने जनरली बहुत हेल्प करी मुस्लिम कम्युनिटी को डेवलप करवाने के लिए. नाउ कमिंग टू हिंदूज़. अच्छा, अब हिंदूज़ के अंदर भी रिलीजियस टेक्स्ट जो थे उनको बहुत सारे लोग रीड करते थे, और हिंदू के अंदर जो रिलीजियस टेक्स्ट होते थे वो वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में लिखे जाते थे. वर्नाक्युलर का मतलब, अभी तक अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है तो आई होप आप लोग को पता होगा, वर्नाक्युलर मतलब कि डे टू डे कॉमन लैंग्वेज. ठीक है, तो हिंदूज़ के जो रिलीजियस टेक्स्ट थे उनको डे टू डे कॉमन लैंग्वेजेस में लिखा जाता था. ओके, तो जैसे कि आप लोग को पता है 16th सेंचुरी के अंदर तुलसीदास जी ने लिखी थी रामचरितमानस. ओके, तो 1810 के अंदर उस चीज़ को भी प्रिंट करवाया गया फॉर दी फर्स्ट टाइम. ओके, तो 1810 के अंदर रामचरितमानस की फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन की कॉपी बनी. ओके, कैलकटा के अंदर. ओके, अब आप लोग की बुक में बताया गया है कि मिड 19th सेंचुरी तक चीप लिथोग्राफिक एडिशंस जो थे उन्होंने नॉर्थ इंडियन मार्केट्स को फ्लड कर दिया था. मतलब कि इसी चीज़ के, दैट इज़ रामचरितमानस के जो चीप एडिशंस थे, लिथोग्राफिक एडिशंस मतलब कि ऐसे एडिशंस जो कि लिथोग्राफिक प्रेस में प्रिंट करवाए गए हो. रामचरितमानस के चीप लिथोग्राफिक एडिशंस जो थे वो नॉर्थ के जो मार्केट्स थे वहां पर बहुत ज्यादा अमाउंट में आ गए थे. ओके, तो अब आप लोग की बुक में दो एग्जांपल दिए हुए हैं इंडिया के अंदर अलग अलग जगह पर प्रेस बनी थी उसके.
ओके द फर्स्ट एग्जाम्पल इज लखनऊ के अंदर नवल किशोर प्रेस बनी थी एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज बॉम्बे के अंदर श्री वेंकटेश्वर प्रेस बनी थी. ठीक है, ये जो है आप लोग को नाम याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है. ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन, लखनऊ के अंदर बनी थी नवल किशोर प्रेस और बॉम्बे के अंदर बनी थी श्री वेंकटेश्वर प्रेस. ओके, अच्छा, अब ये जो प्रेस थी इसके अंदर बहुत सारे रिलीजियस टेक्स्ट जो थे वो प्रिंट करवाए जाते थे वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस के अंदर. ये जो रिलीजियस टेक्स्ट थे ये बहुत सारे लोग यूज़ करते थे रिलीजियस चीज़ों को पढ़ने के लिए. ओके, अब कई कई जगहों पर ऐसा भी होता था कि जो लोग थे वो इलिटरेट थे, जो वुमेन थी बेसिकली वो इलिटरेट थी. तो क्या होता था कि रिलीजियस टेक्स्ट जो थे उस उन जगहों पर बहुत ज़ोर ज़ोर से किसी एक इंसान के द्वारा पढ़े जाते थे. ये जस्ट आप लोग की बुक में इन्फॉर्मेशन के लिए बताया गया है. ओके, रिलीजियस टेक्स्ट जो थे वो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ लोगों के पास पहुँचे. आप लोग की बुक में भी ये बताया गया है. रिलीजियस टेक्स्ट जो थे वो जितने ज़्यादा अमाउंट ऑफ लोगों के पास पहुँचे उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिलीजियस डिस्कशंस हुए, डिबेट्स हुए, जैसे कि मैंने आप लोग को चैप्टर इस पार्ट के स्टार्टिंग में भी बताया था. और मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि कॉन्ट्रोवर्सीज़ हुई. कॉन्ट्रोवर्सीज़ मतलब कि लड़ाइयाँ हुई डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों के बीच में. फॉर एग्जाम्पल, रिफॉर्मर्स और हिंदू ऑर्थोडॉक्सी लोगों के बीच में लड़ाइयाँ भी हुई रिलीजियस टेक्स्ट की वजह से. ओके, उसके अलावा जो अलग अलग रिलीजन के लोग हैं उन लोगों के बीच में भी लड़ाइयाँ हुई रिलीजियस टेक्स्ट की वजह से. उसके अलावा आप लोग की बुक में बताया गया है कि प्रिंट की वजह से ऐसा ही नहीं हुआ कि लोगों के बीच में सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस बने, बल्कि ऐसा भी हुआ कि बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो हैं वो एक साथ भी आई. ओके, जैसे कि मैंने आप लोग को अभी तक तो सिर्फ इसी चीज़ का एग्जांपल दिया कि प्रिंट की वजह से जो लड़ाइयाँ हुई रिफॉर्मर्स और हिंदू लोगों के बीच में, उसका अभी तक मैंने आप लोग को एग्जांपल दिया. बट आप लोग की बुक में ये भी बताया गया है कि प्रिंट की वजह से ऐसा ही नहीं हुआ कि सिर्फ लड़ाइयाँ ही हुई, पर ऐसा भी हुआ कि अलग अलग जो लोग हैं एक ही कम्युनिटी के अलग अलग लोग वो भी कनेक्ट हो पाए. ओके, जो न्यूज़पेपर्स थे, ठीक है, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थे उस टाइम के अंदर, क्योंकि उस टाइम के अंदर बेसिकली जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है वो रूल कर रही थी इंडिया को. तो कॉलोनियल गवर्नमेंट इंडिया को रूल कर रही थी और उस टाइम पे जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो थी वो न्यूज़पेपर्स के थ्रू सर्कुलेट हो जाती थी अलग अलग पार्ट्स के अंदर, जिसकी हेल्प से पैन इंडियन आइडेंटिटीज़ बनी. नाउ व्हाट इज़ पैन इंडियन आइडेंटिटीज़? जैसे कि आप लोग को पता है इंडिया में उस टाइम पे कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है वो रूल कर रही थी, ठीक है. तो न्यूज़पेपर्स जो हैं उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाने में, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक कलेक्टिव फीलिंग आ सके नेशन के टूवर्ड्स, ठीक है, जिसकी वजह से जो लोग हैं ये छोटी छोटी बातें दैट इज़ रिलीजन, कास्ट, ये सब भूल सके और कॉमन इशू दैट इज़ इंडिया की इंडिपेंडेंस इस इशू के टूवर्ड्स फोकस कर सके, ठीक है. तो इस चीज़ को बोलते हैं पैन इंडियन identities. Okay, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन. ये जो पार्ट है ना, आज के तीनों पार्ट्स में से सबसे बड़ा पार्ट है ये, बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट. तो वॉट यू नीड टू डू इज जस्ट आपको इसको सुनना है एंड इस पार्ट के अंदर भी बहुत सारे नाम आएंगे तो उन नेम्स को याद करने की कोशिश करनी है. ओके, ये जो पार्ट है ये दो तीन पेजेस का है एंड इसके बाद जो लास्ट पार्ट है दैट इज़ प्रिंट एंड सेंसरशिप, वो एक ही पेज का है. तो दिस पार्ट विल कंज्यूम मोस्ट अमाउंट ऑफ टाइम. द नेम ऑफ दिस सेक्शन इज़ न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन में एक वर्ड लिखा हुआ है, प्रिंटिंग क्रिएटेड एन एपेटाइट. अच्छा, अब एपेटाइट मतलब कि बेसिकली जो एपेटाइट वर्ड है ना वो खाने के लिए यूज़ किया जाता है, कि किसी चीज़ को खाने की बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा, ठीक है. फॉर एग्जांपल, कभी कभी आप लोग की आइसक्रीम खाने की बहुत इच्छा होती है, कभी कभी आप लोग की पानी पताशी खाने की बहुत इच्छा होती है, तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज एपेटाइट, ठीक है. तो जैसे ही प्रिंट इंट्रोड्यूस हुई उसके बाद एक नीड हो गई अलग अलग न्यू काइंड्स ऑफ राइटिंग के लिए, ठीक है. तो इनिशियली क्या हुआ था कि जब प्रिंट आई थी ना तब प्रिंट की हेल्प से सिर्फ न्यूज़पेपर्स और रिलीजियस टेक्स्ट ये सभी प्रिंट होते थे, बट थोड़े टाइम बाद जैसे कि मैंने आप लोग को बताया प्रिंट की हेल्प से बहुत ज़्यादा डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइटिंग प्रिंट होने लग गई. फॉर एग्जांपल, नॉवेल्स एंड पिक्चर्स लाइक दिस. ओके, तो अब क्या हो रहा था कि अब क्योंकि बहुत सारे लोगों को पढ़ना आ गया था तो लोग जो थे वो ये डिमांड कर रहे थे कि हम कुछ ऐसी चीज़ पढ़ें जिससे हमारे इमोशंस, हमारी डेली लाइफ और हमारी रिलेशनशिप्स रिफ्लेक्ट हों, ठीक है. फॉर एग्जांपल, मैंने शायद आप लोग को ये चीज़ पहले भी बताई थी, आजकल जो है बहुत ज़्यादा जो यूथ लोग हैं वो यूट्यूब क्यों देखते हैं, ठीक है. लॉट ऑफ अस डू नॉट वॉच टेलीविज़न, ठीक है, टेलीविज़न नहीं देखते हैं क्योंकि टेलीविज़न में टिपिकल सीरियल्स आते हैं जो कि कोई देखना पसंद नहीं करता यूजुअली, ठीक है. आजकल
आजकल जो यूथ हैं, जो कि टीनेजर्स हैं, वो सबके सब यूट्यूब क्यों ज़्यादा देखते हैं? क्योंकि यूट्यूब पे उनको ज़्यादा रिलेटेबल कंटेंट मिलता है. मतलब कि जैसे आप लोगों ने यूट्यूब पे वो वाले वीडियोस देखे होंगे कि टाइप ऑफ मदर्स, टाइप ऑफ ट्यूशन टीचर्स, टाइप ऑफ स्टूडेंट्स. तो ये जो सारा कॉन्टेंट है, दिस इज़ रिलेटेबल कॉन्टेंट. ठीक है, तो इस रीज़न की वजह से ज़्यादा लोग जो हैं वो यूट्यूब देखते हैं. तो यही आप लोग की बुक में भी बता रखा है कि उस टाइम के जो लोग थे वो कुछ ऐसा रीड करना चाहते थे जिस चीज़ से वो रिलेट कर सके. ठीक है, जिस चीज़ से वो अपनी डेली लाइफ को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने इमोशंस को, अपने रिलेशनशिप्स को रिलेट कर सके. ओके, और इसी नीड को पूरा करने के लिए यूरोप के अंदर नॉवेल्स इंट्रोड्यूस हुई. जैसे ही यूरोप के अंदर नॉवेल्स इंट्रोड्यूस हुई तो उसके बाद इंडिया ने भी यूरोप के नॉवेल्स के आइडिया को कॉपी किया और इंडिया के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ नॉवेल्स इंट्रोड्यूस होने लगी. ओके, रीडर्स जो थे वो भी नॉवेल्स के इंट्रोड्यूस होने से बहुत खुश थे क्योंकि जब वो नॉवेल्स पढ़ते थे तो वो किसी और ही वर्ल्ड में चले जाते थे और सबके सब रीडर्स को नॉवेल्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता था. राइट, तो नॉवेल्स के अलावा उस टाइम पे बहुत सारे और भी प्रिंटिंग टेक्निक्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए थे. मतलब कि प्रिंट की हेल्प से बहुत ज़्यादा और भी चीज़ें प्रिंट करवाई जाती थी. फॉर एग्जांपल, लिरिक्स, शॉर्ट स्टोरीज़, एसे, सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स के बारे में प्रिंट करवाया जाता था. तो ये जो प्रिंट है, जब जब इसका यूज़ बढ़ा, जब जब इसका प्रोडक्शन बढ़ा, उसकी वजह से लोगों के लाइफ पे प्रिंट का जो इम्पैक्ट है वो भी बढ़ने लगा. प्रिंट जो है वो लोगों की फीलिंग्स को इफ़ेक्ट करने लगा और इस तरीके से प्रिंट जो है वो पब्लिक के ओपिनियंस भी शेप करने लगा. राइट, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, दे रीइंफोर्स्ड द न्यू एम्फेसिस ऑन ह्यूमन लाइफ. रीइंफोर्स मतलब कि किसी भी चीज़ पे बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट करना. तो प्रिंट जो है उसकी हेल्प से ह्यूमन लाइफ के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ा. अब आप लोग की बुक में बताया गया है कि 19th सेंचुरी के एंड तक एक न्यू विजुअल कल्चर डेवलप हुआ था. उसके अंदर बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स और बहुत ज़्यादा पिक्चर्स, ये सब प्रिंट करवाई जाती थी, विजुअल इमेजेस. ठीक है, 19th सेंचुरी के अंदर नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस जो थे वो भी बढ़ने लगी, जिसकी हेल्प से बहुत ज़्यादा कॉपीज प्रोड्यूस हुई पिक्चर्स की एंड विजुअल प्रिंट्स की. ओके, राजा, आप लोग की बुक में लिखा हुआ है, राजा रवि वर्मा जो थे वो इमेजेस को पेंट करते थे और उनकी जो इमेजेस पेंट होती थी उसके बाद वो मास अमाउंट में, मतलब कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रिंट करवा के सर्कुलेट करवाई जाती थी और बहुत लोग उस चीज़ को ख़रीदते थे. ठीक है, अब आप लोग की बुक में ये भी बताया गया है कि प्रिंट की वजह से जो एम्प्लॉयमेंट था वो भी बहुत बड़ा. ओके, तो ऐसे लोग जो कि लकड़ी का काम करते थे प्रेसेस के आसपास, प्रिंट प्रेसेस के आसपास, ऐसे लोग जो कि लकड़ी बनाते थे, लकड़ी को शेप करते थे, लकड़ी से वुड ब्लॉक्स बनाते थे, ऐसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया गया प्रिंट शॉप्स में. ओके, और प्रिंट की हेल्प से चीप कैलेंडर्स इजीली अवेलेबल हुए मार्केट के अंदर और भी बहुत सारी डेकोरेटिव प्रिंट आइटम्स भी मार्केट के अंदर पब्लिश हुए जो कि पुअर लोग जो थे वो खरीद सकते थे और अपने घर पे वॉल्स पे लगा सकते थे, अपनी वॉल्स को उस चीज़ से डेकोरेट कर सकते थे. ठीक है, प्रिंट की हेल्प से बहुत ज़्यादा आइडियाज़ सर्कुलेट हुए रिलेटेड टू ट्रेडिशन, रिलीजन, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, कल्चर. अब आप लोग की बुक में बताया गया है कि 1870s के अंदर बहुत सारे कार्टून्स और कैरिकेचर्स प्रिंट होते थे. नाउ कार्टून्स तो आप लोग को पता है क्या होते हैं, कैरिकेचर्स भी किसी भी इंसान की फ़नी इमेज को ही बोलते हैं, लाइक दिस, यू कैन सी दिस ऑन द स्क्रीन, इस चीज़ को बोलते हैं कैरिकेचर्स. तो 1870s के अंदर ये कार्टून्स और कैरिकेचर्स भी बहुत ज़्यादा प्रिंट हुए और न्यूज़पेपर्स, जनरल मैगजीन्स, इन सब के अंदर प्रिंट होने लगे. ओके, पब्लिश होने लगे. तो उस टाइम पे क्या होता था, जो भी इंडियंस थे, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, वो सबके सब लोग वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थे और वेस्टर्न क्लोथ्स पहनने से, मतलब वेस्टर्न खाना खाने से, वेस्टर्न क्लोथ्स पहनने से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थे. ठीक है, तो कुछ कुछ कैरिकेचर्स इस तरीके से बनाए गए कि उन इंडियंस का मजाक उड़ाया गया जो कि वेस्टर्न कल्चर से इतने ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, और कुछ कुछ कैरिकेचर्स जो हैं वो फियर ऑफ सोशल चेंजेस पे भी बनाए गए. ओके, कुछ कुछ कैरिकेचर्स जो हैं वो इम्पीरियल रूल को क्रिटिसाइज़ करने के लिए भी बनाए गए, यानी कि जो इंडिया के अंदर ब्रिटिश लोग रूल कर रहे थे उन लोग को क्रिटिसाइज़ करने के लिए, उन लोग की निंदा करने के लिए भी बनाए गए, उन लोग की बुराई करने के लिए भी बनाए गए. कुछ कुछ जो कैरिकेचर्स थे वो नेशनलिस्ट थे, मतलब कि वो लोगों के अंदर पेट्रियोटिज़म की, नेशनलिज़म की फीलिंग डेवलप करते थे. ओके, अब
कुछ कुछ जो कैरिकेचर्स थे वो इन नेशनलिस्ट लोगों के अगेंस्ट भी बनाए गए, इन नेशनलिस्ट लोगों का फन करने के लिए। आप लोग की बुक में लिखा हुआ है लैम्पूनिंग। लैम्पूनिंग मतलब कि किसी का मजाक उड़ाना, किसी को क्रिटिसाइज करना, ठीक है। तो यू नो डिफरेंट साइड से रिएक्शन आते थे। कभी जो इंपीरियल लोग हैं, दैट इज जो ब्रिटिश के लोग हैं, वो नेशनलिस्ट लोगों के लिए कोई कैरिकेचर्स बनाते थे, कोई कार्टून्स बनाते थे। कभी कभी जो नेशनलिस्ट लोग हैं वो इंपीरियल लोगों के अगेंस्ट कुछ कैरिकेचर्स बनाते थे और प्रिंट करवाते थे। तो इस तरीके से ये जो है ये चलता रहता था। नाउ देयर आर टू टॉपिक्स इस टॉपिक के अंदर, दैट इज न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन का इंट्रोडक्शन अभी खत्म किया है। अब इसके अंदर दो सब टॉपिक्स हैं, दैट इज वुमेन एंड प्रिंट एंड प्रिंट एंड पुअर पीपल। मतलब कि दो कम्युनिटीज के बारे में अपन अभी पढ़ेंगे। फर्स्ट इज वुमेन एंड सेकेंड इज पुअर पीपल। ओके, यानी कि वुमेन की लाइफ पे प्रिंट ने कैसे इम्पैक्ट किया एंड नेक्स्ट इज पुअर पीपल की लाइफ पे प्रिंट ने कैसे इम्पैक्ट किया। नाउ 8.1 वुमेन एंड प्रिंट। तो 19th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ ये बोला गया। बेसिकली बहुत ज़्यादा जर्नल्स लिखे गए जिसके अंदर बताया गया कि जो वुमेन हैं उन लोग को भी पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को भी पढ़ाना चाहिए। लड़कियां जो है उनको एडुकेशन से हटा के नहीं रखना चाहिए। तो इस तरीके से 19th सेंचुरी के अंदर ऐसे हस्बैंड्स और ऐसे फादर जो कि लिबरल थे, मतलब कि जो थोड़ी अच्छी सोच रखते थे, वो अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को, अपनी बीवियों को स्कूल भेजने लग गए। तो वुमेन के लिए अलग अलग स्कूल सेटअप हुए सिटीज़ और टाउन्स के अंदर। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, वही हस्बैंड्स और वही फादर्स अपनी बेटियों को और अपनी बीवियों को स्कूल भेजते थे जो कि लिबरल थे, ठीक है, जिनकी थिंकिंग थोड़ी सी अच्छी थी। बट सारी की सारी फैमिलीज तो लिबरल नहीं थी ना, उन सब सारी की सारी फैमिलीज़ की तो थिंकिंग अच्छी नहीं थी ना। कुछ कुछ कंजर्वेटिव हिंदूज फैमिली थी जो कि ये सोचते थे कि अगर किसी लड़की को पढ़ाया जाए तो वो विडो बन जाएगी। मतलब कि अगर किसी लड़की को पढ़ाया जाए तो उसके जो हस्बैंड है उनकी डेथ हो जाएगी, ये हिंदूज के अंदर बिलीव था। मुस्लिम जो थे वो भी, कोई कोई मुस्लिम अपनी बेटियों को और अपनी बीवियों को नहीं पढ़ाते थे क्योंकि उनका मानना था कि अगर वो अपनी वुमेन को एडुकेट करेंगे तो उनकी जो बहू बेटियां हैं वो बिगड़ जाएंगी, करप्टेड मतलब कि बिगड़ जाएंगी, क्योंकि अगर वो उनको एडुकेट करेंगे तो वो उर्दू रोमांसेस को, मतलब कि लव स्टोरीज़ को पढ़ने लग जाएंगी और इस तरीके से जो लड़कियां हैं वो बिगड़ जाएंगी। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग परसेप्शंस थे। कुछ कुछ लोग अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को पढ़ाते थे, अपनी बीवियों को पढ़ाते थे, कुछ कुछ लोग नहीं पढ़ाते थे। अभी अपन ने रीजंस डिस्कस किए व्हाई। ओके, अब आप लोग की बुक में दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं। सबसे पहले एक मुस्लिम लड़की का एग्जांपल दिया हुआ है। बेसिकली एक मुस्लिम लड़की की जो फैमिली थी, उसकी फैमिली चाहती थी कि वो अरेबिक कुरान पढ़े और उसको यू नो पूरा का पूरा पढ़ना सीख जाए। बट उस लड़की को अरेबिक कुरान को पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था और उसको वो समझ भी नहीं आती थी, ठीक है। तो उस लड़की ने क्या किया, सीक्रेटली कैसे कैसे अपनी फैमिली से छुपके उर्दू लिखना और बोलना सीखी, ठीक है। उसके अलावा आप लोग की बुक में दूसरी एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, विच इज़ ऑफ बंगाल। बंगाल के अंदर एक लेडी थी जिसका नाम था रश सुंदरी देवी, ठीक है। वो जो थी वो एक यंग मैरिड गर्ल थी, मतलब कि उनकी शादी हो चुकी थी और शादी करने के बाद वो एक बहुत ही प्रॉपर हिंदू ऑर्थोडॉक्स घर में आई जिसके अंदर लड़कियों का पढ़ना लिखना अलाउड नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीक्रेटली किचन के अंदर कैसे कैसे पढ़ना लिखना सीखा और उसके बाद 1876 के अंदर उन्होंने अपनी खुद की बायोग्राफी लिखी जिसका नाम था अमर ज़बान, ठीक है। वो जो बायोग्राफी थी वो बेसिकली उन्होंने बंगाली लैंग्वेज में लिखी थी क्योंकि उन्होंने सीक्रेटली किचन के अंदर बंगाली लैंग्वेज ही पढ़ना और लिखना सीखा था। ओके, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा और भी लेडीज़ थी जिन्होंने अपनी खुद की लाइफ के बारे में लिखा और अपनी लाइफ की स्ट्रगल्स के बारे में लिखा। 1816 के अंदर एक बंगाली वुमेन थी जिनका नाम था कैलाश भसीनी देवी। उन्होंने वुमेन के एक्सपीरियंस के बारे में लिखा कि कैसे सारी की सारी वुमेन को फोर्सफुली घर पे रखा जाता है, इम्प्रिजन। इम्प्रिजन मतलब कि यू नो एज अ उनको इस तरीके से घर में रखा जाता है, मतलब कि जेल की तरह, लाइक उनको कहीं बाहर नहीं जाने दिया जाता। एंड इस चीज़ को उन्होंने अपनी बुक में हाईलाइट किया। उसके अलावा ये भी बताया उन्होंने अपनी बुक में कि कैसे डोमेस्टिक लेबर को फोर्स करवाया जाता है वुमेन पे, यानी कि वुमेन को फोर्सफुली डोमेस्टिक लेबर करना ही पड़ता है। उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि वुमेन जो है उनको बहुत अनजस्टली, बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है सोसाइटी के अंदर। उसके बाद आप लोग की बुक के अंदर ये बताया गया है कि ये जो बुक्स लिखी जाती थी वुमेन के बारे में, ठीक है, जो मैंने आप लोग को अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए कि कैसे कैसे वुमेन के बारे में बुक्स लिखी जाती थी,
बहुत सारी और वुमेन जो हैं वो ये बुक्स पढ़ती थी और बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोग की बुक में बताया गया है कि एक तमिल नॉवल के अंदर एक्सप्रेस किया गया कि ये जो रीडिंग है ये वुमेन के लिए क्या महत्व देती है। एक ऐसी वुमेन जो कि बाउंडेड है सोशल रेगुलेशन से, जो कि बाउंडेड है सोसाइटी के प्रेशर से, उसके लिए ये जो रीडिंग है, ये जो नॉवेल्स हैं, ये एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन काम करती है। ओके, आप लोग की बुक में बताया भी गया है कि एक वुमेन ने ये भी लिखा है, फॉर वेरियस रीजंस माय वर्ल्ड इज स्मॉल, मोर देन हाफ ऑफ माय लाइफ्स हैप्पीनेस हैज़ कम फ्रॉम बुक्स। मतलब कि ये जो नॉवेल्स हैं, ये जो बुक्स हैं, ये वुमेन्स को हैप्पीनेस देती थी ऑल अराउंड द वर्ल्ड, राइट, नॉट ओनली इन इंडिया। अच्छा, अब आप लोग की बुक में ये भी रेफ़र किया गया है कि इनिशियली तो लैंग्वेजेस लाइक उर्दू, तमिल, बंगाली, मराठी, इन्हीं सब में चीज़ें प्रिंट करवाई जाती थी, बट उसके बाद हिंदी जो है वो 1870s तक आई, धीरे धीरे आई। ठीक है, हिंदी का जो मेन पर्पस था वो यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन को एडुकेट करना। उसके अलावा आपकी बुक में ये भी बताया गया है कि अर्ली 20th century के अंदर जर्नल्स और भी बहुत सारी चीज़ें वुमेन ने लिखी ताकि जो है वुमेन से रिलेटेड इश्यूज को पॉपुलर कर सके वो लोग। ठीक है, लाइक वुमेन्स एडुकेशन, विडोहुड, विडो रीमैरिज, नेशनल मूवमेंट, इन सब से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट वुमेन ने लिखी ताकि ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। उसके अलावा उस टाइम पर बहुत सारी जो वुमेन थी वो फैशन लेसन्स भी लिखती थी और शॉर्ट स्टोरीज भी लिखती थी ताकि और लोगों को एंटरटेन कर सके। अब आप लोग की बुक में पंजाब के बारे में एक चीज़ बताई गई है कि पंजाब के अंदर एक इंसान थे राम चड्ढा, उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था स्त्री धर्म विचार, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि कैसे एक वुमेन ओबीडियंट वाइव्स बन सकती है। ठीक है, ओबीडियंट बीवियां बन सकती है। उसके अलावा एक खालसा ट्रैक सोसाइटी थी, उन्होंने भी बहुत सारी छोटी छोटी बुकलेट्स पब्लिश करी यही बताते हुए कि कैसे वुमेन जो है वो ओबीडियंट बन सकती हैं, अच्छी वाइफ्स बन सकती हैं, अच्छी पत्नी बन सकती हैं, अच्छी बहू बन सकती हैं। ठीक है, इस तरीके से जो वुमेन थे उस टाइम पर उनको यही लेसन्स दिए जाते थे, लाइक फैशन लेसन्स, कैसे तुम अच्छी बीवी बन सकते हो, इस चीज़ के लेसन्स। ओके, अब आप लोग को अपनी सिटी के अंदर जहाँ भी आप लोग रहते हैं वहाँ पर आप लोग को कोई ऐसा एरिया पता होगा कि जहाँ पर हर चीज़ जो है सस्ती मिलती है, ऐसी चीज़ें भी बिकती है जो कि मेन मार्केट में बिकना अलाउड नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ, आप लोगों ने चोर बाज़ार का नाम सुना होगा। ठीक है, वहाँ पर जितनी भी चीज़ें मिलती है वो सस्ती मिलती है और ऐसी भी चीज़ें मिलती है जो कि बिकना अलाउड नहीं है खुलेआम। ठीक है, तो वैसे ही कलकत्ता के अंदर एक मार्केट था जिसका नाम था बाटला। ठीक है, वहाँ पर बहुत सारी पॉपुलर बुक जो हैं वो प्रिंट होती थी। वहाँ पर हर बुक को चीपली, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेन मार्केट के अंदर वो बुक मिल रही है 300 रुपये की, तो बाटला मार्केट में वो बुक मिलेगी 100 रुपये की। ठीक है, इस तरीके से बाटला मार्केट के अंदर जो भी बुक्स होती थी, जो भी रिलीजियस ट्रैक्स, न्यूज़पेपर्स, स्क्रिप्चर्स होते थे, रिलीजियस राइटिंग्स होती थी, होली बुक्स होती थी, लिटरेचर होती थी, नॉवेल्स होती थी, उन सबको बहुत कम प्राइसेस में बेचा जाता था। उसके अलावा वो बुक्स जो कि मेन मार्केट के अंदर यूजुअली नहीं बिकती थी, बेसिकली यू नो ऐसी बुक होती है जिसके अंदर कुछ बहुत अनइवन सी चीज़ें होती है और बहुत लाइक आप लोग की बुक के अंदर वर्ड यूज़ किया गया है ऑब्सेंस, ऑब्सेंस मतलब कि बहुत रूट चीज़ें होती है जो कि मेन मार्केट के अंदर पब्लिकली नहीं बिक सकती है, वो बुक्स भी बाटला के अंदर बिकती थी। ओके, आप लोग की बुक में बताया गया है कि पेडलर्स मतलब जो लोग ऐसे ही, मतलब राह चलते लोग, पेडलर्स का हिंदी में मतलब होता है कि ऐसे ही चलते फिरते लोग, वो लोग बाटला मार्केट से अपनी बीवियों के लिए कम प्राइसेस में बुक्स खरीद के जाते थे ताकि उनकी बीवियां जो है वो बुक्स पढ़ सके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रिंट एंड द पुअर पीपल। तो 19th century के अंदर क्या हुआ था, मार्केट के अंदर बहुत चीप स्मॉल बुक्स आ गई थी पुअर लोगों के लिए। बेसिकली वो बुक्स इसलिए आई थी ताकि जो पुअर लोग हैं वो मार्केट में जाके उनको बाय कर सके। उसके अलावा उस टाइम पे पब्लिक लाइब्रेरीज़ भी बनाई गई थी अर्ली 20th century में ताकि इन बुक्स का एक्सेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हो सके। ये जो लाइब्रेरीज़ थी ये बेसिकली सिटीज़ और टाउन्स में भी लोकेटेड थी और बेसिकली बिल्कुल बिल्कुल ही गरीब एरिया में, बिल्कुल ही टूटे फूटे विलेज में तो ये लाइब्रेरीज़ नहीं थी, प्रॉस्पेरस विलेज मतलब कि अमीर विलेजेस में थी। ओके, तो इन लाइब्रेरीज़ के ओनर्स कौन थे, इन लाइब्रेरीज़ के ओनर्स थे रिच लोकल पैट्रन्स। पैट्रन्स मतलब कि ऐसे ही रिच लोकल अमीर लोग जो थे वो इन लाइब्रेरीज़ के ओनर थे और उनको बेसिकली बहुत अच्छा लगता था लाइब्रेरी सेटअप करना। उनके अकॉर्डिंग लाइब्रेरी सेटअप करने का मतलब है कि एक्वायरिंग प्रेस्टीज मतलब कि रिस्पेक्ट और एडमायरेशन को एक्वायर करना। ओके, लेट 19th century के अंदर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हुआ और बहुत सारे लोग जो हैं वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में एसेस और ट्रैक्स में लिखने लग गए। ओके, तो कास्ट सिस्टम होता क्या है, जब किसी पुअर कास्ट के लोगों को बेसिकली इवन ट्रीटमेंट, जस्ट ट्रीटमेंट,
नहीं मिलता है सोसाइटी में, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है सोसाइटी में, और किसी लोअर कास्ट के लोगों को किसी एरिया में जाने से मना कर दिया जाता है, इस चीज़ को बोलते हैं कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा पहले से ही चलता हुआ आ रहा था, बट 20th सेंचुरी के अंदर स्टार्टिंग में और लेट 19th सेंचुरी के अंदर ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और इसलिए बहुत लोग जो हैं वो इसके बारे में लिखने लग गए। सबसे पहला एग्जाम्पल आप लोग की बुक में दिया हुआ है ज्योतिबा फुले ने, वो खुद एक लो कास्ट की इंसान थी और उन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्ट और मूवमेंट्स भी किए थे, और उन्होंने इसके बारे में लिखा भी था कि जो भी इनजस्टिस होता है स्मॉल कास्ट के लोगों के साथ, ठीक है। उनकी बुक का नाम था गुलामगिरी, ओके, जो कि उन्होंने 1871 के अंदर पब्लिश करी। उसके बाद आप लोग की बुक के अंदर बताया गया है कि B.R. अंबेडकर महाराष्ट्र के अंदर E.V. रामास्वामी, जिनको पेरियार के नाम से भी बुलाया जाता था, उन्होंने भी बहुत कुछ लिखा कास्ट सिस्टम के ऊपर, और उस टाइम पे कास्ट सिस्टम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा लोकल प्रोटेस्ट होते थे, जिनकी वजह से उन लोकल प्रोटेस्ट के बारे में भी बहुत ज़्यादा लिखा जाता था न्यूज़पेपर के अंदर और जर्नल्स के अंदर, ओके। अब आप लोग की बुक में बताया गया है फैक्ट्रीज़ के बारे में, ओके। फैक्ट्रीज़ के अंदर बेसिकली क्या होता था कि जो वर्कर्स होते थे उनसे बहुत ज़्यादा काम कराया जाता था, ठीक है। अब मैं आप लोग को 3 पॉइंट्स बताऊंगी जो कि आप लोग की बुक में फैक्ट्रीज़ और मिल वर्कर्स से रिलेटेड दिए हुए हैं। सबसे पहले आप लोग की बुक में बताया गया है काशी बाबा के बारे में। काशी बाबा जो थे वो कानपुर के अंदर एक मिल के अंदर काम करते थे, और उन्होंने 1938 के अंदर पब्लिश किया छोटे और बड़े का सवाल, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने बेसिकली कास्ट और क्लास एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बताया। पॉइंट नंबर 3 आप लोग की बुक में बताया गया है कि बेसिकली क्या हुआ था, पहले पहले तो बॉम्बे की एक मिल थी जिसके अंदर लाइब्रेरी सेटअप कराई गई थी ताकि उन लाइब्रेरी से बुक लेके जितने भी मिल वर्कर्स हैं वो पढ़ सके, ठीक है। उसके बाद बैंगलोर में एक मिल थी, वहाँ पर भी, बैंगलोर में बेसिकली एक कॉटन मिल थी, वहाँ पर भी लाइब्रेरी सेटअप कराई गई बॉम्बे को देख के। तो इस तरीके से ये जो लाइब्रेरीज थी ये मिल के अंदर इसलिए सेटअप कराई जाती थी ताकि ये जो मिल के वर्कर्स हैं ये बुरी आदतें छोड़ दे और बुक्स को पढ़ने लग जाए, ठीक है। ये जो लाइब्रेरीज थी मिल के अंदर कौन सेटअप कराता था, रिफॉर्मर्स सेटअप कराते थे। नाउ कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज प्रिंट एंड सेंसरशिप। नाउ अब सेंसरशिप का मतलब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, मैं आप लोग को सबसे पहले एक्सप्लेन करती हूँ दैट व्हाट इज सेंसरशिप। अच्छा, अब आज आप लोग देखते हैं कि इंडिया के अंदर जो न्यूज़पेपर्स हैं, ठीक है, वो जो चाहे वो पब्लिश कर सकते हैं, मीडिया जो है वो जो चाहे पब्लिश कर सकती है, कुछ भी दिखा सकती है, ठीक है। बट उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे सेंसरशिप लगा दी गई थी। सेंसरशिप मतलब कि उस टाइम पे मीडिया जो है वो कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ नहीं लिख सकती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ नहीं लिख सकती थी। सेंसरशिप मतलब कि कोई रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। उस टाइम मीडिया पे, न्यूज़पेपर्स पे, इन सब पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लिखी जानी चाहिए जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में कुछ बुरा बोले, ठीक है। जैसे कि आप लोग आज देख सकते हैं कि आज मीडिया के अंदर चाहे रूलिंग गवर्नमेंट ही हो, ठीक है, उसके अगेंस्ट भी बहुत सारी चीज़ें बोली जाती है। तो मतलब कि आज टाइम की जो मीडिया है वो फ्री है, बट उस टाइम पे जो मीडिया थी उस पे सेंसरशिप लगा दी गई थी, ओके। तो जो प्रिंट थी उसका अपने रीडर्स पे बहुत ग्रेट इम्पैक्ट था, ठीक है। बट ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये डिसाइड किया स्टार्टिंग के अंदर कि जो प्रिंट का इम्पैक्ट है, बेसिकली 1798 की बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये डिसाइड किया कि जो प्रिंट का इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि जो प्रिंट है इसके जो पब्लिकेशंस हैं उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, यानी कि वही प्रिंट करवाना चाहिए जो कि हम लोग के फेवर में हो, जो कि कॉलोनियल गवर्नमेंट ब्रिटिश रूल के फेवर में हो, और ऐरी गैरी चीज़ें नहीं प्रिंट करवानी चाहिए ताकि जो लोग हैं उनका ओपिनियन जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के वर्ड्स अच्छा रहे, और जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा नेशनलिस्ट मूवमेंट और फ्रीडम स्ट्रगल्स नहीं कर सके। ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन मोटिव ये था। बट 1820 के अंदर कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक लॉ पास कराया गया, ओके। वो लॉ के अंदर ये बोला गया कि जो प्रेस है उसको फुल्ली फ्रीडम नहीं देनी चाहिए, ठीक है। उस लॉ के अंदर यही रेगुलेशंस बनाए गए कि ताकि जो प्रेस है उनको फुल्ली फ्रीडम नहीं मिल सके, ठीक है। उसके बाद हुआ 1857 का रिवॉल्ट। 1857 के रिवॉल्ट के बाद इंग्लिश मैन जो थे उन्होंने डिमांड किया कि ये जो लोकल प्रेस है ये दब जानी चाहिए, और जो है प्रेस का पूरा कंट्रोल है वो कॉलोनियल गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए। बेसिकली ये 1857 के रिवॉल्ट के बाद जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी, और उनको लगा कि लोगों के अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग डेवलप कैसे हुई, लोग जो हैं वो इतने सारे एक साथ आके कैसे हमसे ही वॉर करने लग गए, ठीक है। तो इस तरीके से जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उनके अंदर सबके अंदर डर पैदा हो गया, और इसलिए उन्होंने 1857 के रिवॉल्ट के बाद पूरी की पूरी जो प्रेस है उस पर बैन लगा दिया। बैन इन द सेंस उन्होंने सिर्फ वही चीज़ पब्लिश कराने दी, सिर्फ वही चीज़ प्रिंट करवाने दी जो कि उनके फेवर में हो, ठीक है। उन्होंने उन सब की सब चीज़ों पर सेंसरशिप लगा दी जो कि उनके अगेंस्ट हो, ठीक है। बट उसके बाद हुआ
1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ओके, जिस एक्ट के अंदर गवर्नमेंट ने फुल कंट्रोल ले लिया एडिटोरियल्स का, जर्नल्स का, न्यूज़पेपर्स का. और उस एक्ट के बाद गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया अब तो हमारे कंट्रोल के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, हमारे कंट्रोल के बिना कुछ भी प्रिंट नहीं हो सकता एडिटोरियल्स में, रिपोर्ट्स में, ठीक है. बट उसके बाद भी बहुत सारे नेशनलिस्ट मूवमेंट्स जो थे वो स्प्रेड हो गए और बहुत सारे नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स जो थे वो नेशनलिस्ट फीलिंग्स को डेवलप करने के लिए बहुत सारी चीज़ें लिख रहे थे और जो गवर्नमेंट है उसकी बात नहीं मान रहे थे. अच्छा, अब जब गवर्नमेंट उन लोगों को, उन नेशनलिस्ट मूवमेंट्स को जो कि उन्होंने लिखा है न्यूज़पेपर्स में, उनको सप्रेस करने की जब गवर्नमेंट ने कोशिश करी तो क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े प्रोटेस्ट लॉन्च करने लग गए लोग और लोगों ने बोला कि प्रेस की जो फ्रीडम है वो नहीं छीन सकते आप लोग, ठीक है. तो इस तरीके से जो प्रेस है उसकी वजह से लोगों पर बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा था. तो कॉलोनियल गवर्नमेंट बहुत वरीड थी और कॉलोनियल गवर्नमेंट हर चीज़ को स्टॉप करती थी जिनकी वजह से यू नो उनको लाइक क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता था. फॉर एग्जाम्पल, वो उन हर चीज़ को सप्रेस करने की कोशिश करती थी जब उनके अगेंस्ट कुछ लिखा जाता था, ठीक है. इस तरीके से बहुत ज़्यादा रिवॉल्ट्स हुए और आप लोग की बुक में बेसिकली यही कंक्लूड किया गया है कि प्रिंट की वजह से जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ा, प्रिंट की वजह से लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आई. ओके, सो दैट इज़ इट फॉर दिस चैप्टर. आई होप आप लोग को सबको ये चैप्टर समझ आया है. अगर समझ आया है तो प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स. एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.